जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क रो तीनोटी चैनल सिद्धार्थ टीवी, सिद्धार्थ भक्ति एवं जय जगन्नाथ टीवी चैनल रे आपण माने देखुचंती श्रीक्षेत्र पुरी रु महाप्रभुंक स्नान यात्रा रो प्रत्यक्षदर्शी दृश्य एवं विवरणी सुनचंती। आपण माने आमे एबे सुनुथिले प्रख्यात शिल्पी नमिता अग्रवालंक कंठरु सालबेगंक रचना रसी प्रसिद्ध भजन एका तो भकत जीवन। भकत निमन्ते तोर शंख चक्र चिह्न ये आज से कथा टिके एमती कहिबा पई इच्छा होउची जे एका तो भकत जीवन, भकत निमन्ते तोर यही मंचा स्नान। ता परपदटी जहाँ आमे देखुचे मध्य सेया धन्य पछे पछे बच्चा गमे क्षीर लोभे भकत पछरे तुही थाउ से ही भावे। आज ये जो प्रभु आसीचंती रत्न सिंहासन छाड़ी ये स्नान बेदी को ये आसीचंती कौन पई धन्य पछे पछे बच्चा जेमती तमें सेमती भकत पछरे अच्छ भकत पछरे अच्छ बोली भकत को देखा करिया पई तमें आसीच। वास्तव रे ये जो स्नान यात्रा, ये स्नान यात्रा रे खाली प्रभु भकत को देखिया पई आसीनाहती, भकत मध्य प्रभु को देखिया पई व्याकुल बाईया पागल हो उठुचंती। आमे देखुचे जो पानी छेक आसीबा पूर्वरु आर जो परवर्ती नीति रही ता पूर्वरु जलसिंचन करा जाय धौत करा जाउची ए स्नान बेदी को, कारण जहाँ जहाँ सब कर्म सरीगला सरीगला परे पुणी टिके सफासुफ हवा आमर धर्म, कारण प्रभु बेश हेले तो बेश हेला परे से कोठी टिके कौन पड़ी जाइथिबो कोठी लाखी जाइथिबो ताको पुणी सफा कर देबा, ये होची आमर नित्य नैमितिक धर्म एवं कार्य एवं प्रभुंक सब रीति नीति रे से कथा मध्य अनुपालन आमे करूचे बा तांकु देखि आमे सिखिचे। एबे गुळुगुळी होउची खरा टिके होउची केही केही छता मुंड उपरे तोळी धरिचंती, किंतु ये सब भितर भी कहार मन कहूनी जे मु खरा हेलाणी फेरी जीवी पछुक चली जीवि छाई जाए कौटी ठिया होती एक कई भावुना समस्ते भावुंट मुझे प्रभु को टी पाखे केमी देखी एवं खाली पाखे देखी अपेक्षा करी से मुहूर्त को जोबले प्रभु पुणी ए दिव्य गजवेश हाथी बेश धारण करेंगे। सीधा प्रसारण में आम बर्तमान देखुचे जे जल छेक हम से जल छेक विजे परिवार सब उद्यम आरंभ है, जल छेक विजे एवं जल छेक विजे हे जल छेक जल जल कहले आम बाबू साधारण तो कहू मध्य सब समय जे जल होउची जीवन। ये जल खाली गोटे वस्तु नुह बा गोटे पानी गोटे तरल पदार्थटे नुहे, ये वस्तु होउची ये जल होउची वास्तविक जीवन। आज ये स्नान यात्रा अवसर रे स्नान यात्रा प्रसंग रे आज सबुठ महत्वपूर्ण कथा जहाँ ता होउची जल। प्रभु जल रे स्नान करिवे, जल छेक हब, जल रे धौत करा जाउची, ये सब भितर जल गोटे प्राधान्य लाभ करी रही। जो मैंने बड़दाण्डे छिड़ा होती रत्नवेदी सम्मुखें छिड़ा होती बड़दाण्डे से माने टिके ये ग्रीष्म त्राही पाइबापी से मध्य जल सिंचन करा जाउची, अर्थात ये जल को छाड़ी जीवन नहीं, जल ही जीवन, ये कथाटी आज प्रमाणित तो हो दृश्य आम देखुचे। यही देखुंट आपण मैने सिंहद्वार दृश्य समस्त आखि समस्त प्राण समस्त मन अवश्य स्नान विधि किंतु कहीं 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 अनेक से पटे गति कला बेले अरणस्तंभ को किए छुई दौंस किए सिंहद्वार प्रवेश करी सेपटे आनंद बजार को जीवा बाटरे बाइज पहाज को छुई दौंस किए मध्य तोरण लक्ष्मी की प्रणाम जनाउंस अर्थ हूँ प्रभु आकर्षण केन्द्रबिंदु होते केन्द्र करी जहाँ जहाँ ये अच्छी
जहाँ जहाँ दृश्यमान जहाँ जहाँ स्थापित जहाँ जहाँ घटित ये सबू आमर नमस्य सबू आमर प्रिय आम प्रभु पाखक गला बेल आपको छाड़ी जाऊन ये टे मन हो मुंडिया मारिदे से मन होती छुई देवाई कारण ये श्रीक्षेत्र ये पवित्र पावन भूमि ये सबकि महान सबकि महत्वपूर्ण सबकि गुरुत्वपूर्ण और सबकि प्रेरणादायी पापक्षयी एवं मुक्तिदायी से ये क्षेत्र महत्व होते से ये क्षेत्राधिपति महत्व होते से ये क्षेत्र में पाद दे ये क्षेत्र में उपस्थित रही जीवन रो कि क्षण आम बीतौचे तार से महत्व होती गुरुत्वपूर्ण बर्तमान प्रस्तुति चली जलछेक आसला जलछेक करापर अन्न्य कार्यक्रम परवर्ती कार्यक्रम सबू रही बेले बेले बर्षे बर्षे यही समय मेघ चली आसे वर्षा हो जाए ए बर्ष कहीं खराटे सेमती टाण हो प्रभुंर इच्छा कौन ताकि कही जानवे कारण सी के भक्तर दुख सही नपारि वर्षा कर दिखे वर्षा हो जाए गरम टे समेत गुड़ गुड़ त्राही पाई जातु पुणी बेले बेले ये खराटी मध्य हुए एवं प्रभु मुर्गी मुर्गी हसी रंगा आधार में भक्तर मन को बिड़ती मन को परीक्षा करती तेणु यही खेल यही लीला तर प्रतिनियत चली थाए आज से लीला चली खेल चली भितर भक्त कहे प्रभु जिते परीक्षा नब नि मुंतु हारिजी ना खरा हब तो हौ गोड़ पड़ीजी तो पाद तातीजी तो तातु झाल बढ़ीजी तो बहु तुमको देखे तुम पाखरे ठिया हबारे तुम पाखापाखी हबारे तुम ये दिव्य लीला को दर्शन करिवारे जो सौभाग्य अच्छी परम भाग्य अच्छी ताकू पाइबापी ये सामान्य कष्ट को मु सहीजी से सामान्य कष्ट को खातिर करी ना से कथा ये जो दृश्य आम देखुचे ये दृश्य रु से कथा ही प्रमाणित होची ये जो छता टिके टेकी ये छता कौन से गरम रूप रक्षा करुच्च ना ये जो पानी टिके छिंचा होची कौन समस्त को ये ग्रीष्म रक्षा करुच्च ना ये ग्रीष्म को बेखातिर करोटा कौन टी ता हूँ प्रभु प्रति अटल भक्ति प्रभुंर लीला दर्शन करार अभिसंवादित आग्रह अवदमित आग्रह एवं प्रभु प्रति भक्तर भल पाइबा विश्वास समर्पण भाव यही जड़े हाथ टेकदे हाथ टेके टेकी जाऊपर खरा हो कितु हाथ टेके टेकी चली कड़े मना ना ना से खरा को नजर अच्छी ना आकाश को नजर अच्छी ना भूमि की नजर अच्छी नजर केवल चका आखि को हाथ टेकदे चली एटी जड़े ये बौणी गले से गोटे छोट छुआ काखरे धरिकी जा भावना ये पिलार कौन हो सी केवल ये विश्वास चली प्रभु तो अच्छा प्रभु को देखा आसीचु प्रभु तो सब बुझे मोर एत व्यस्त होवार कौन अच्छे ये जो भाव ये भावटी केवल ये विरल मुहूर्त विरल भाव केवल ये देखा मिले ये प्रभु पाखे देखा मिले आंकर लीला पाखे देखा मिले से ये लीलामय से ये अगम्य से पुणी ये गम्य से पुणी ये बेले बेले धेनु पछे पछे बसचा आंकर तुलना ना ये अतुलनीय ठाकुर ये अतुलनीय लीला ये स्नान यात्रा ये स्नान यात्रार विभिन्न विधि विधान जारी रही भक्त हजार हजार भक्त एवं बड़ दांड में एकत्रित रुंडीभूत हो चलमान ये लीला को उपभोग करुचंती ये लीलार स्वाद ये लीलार अनुभूति निज भितर ग्रहण करुचंती चली चली एमती जे प्रभु यही दिशीगले केड़े सुंदर बेश होती आमर बेश कथा आम टिके पूर्वर आलोचना करुले जे प्रभु केमी बेश हूँ आहा प्रभु को प्रभु तो एमती ही सुंदर से चका आखि को खाली चाहदे कोटि जन्मर आनंद एवं कोटि जन्मर पुण्य आते बेश हो जाती आहा आउ तेणिकी तो आउ बाट नहीं आखि आउ हटवन जमी श्यम नागर ही एवेश होना एवेश होइले पाषण तरले युवती रे कहीं युवती हूँ आम समस्त मन आम समस्त प्राण हूँ गोटे युवती ये जदि ये बेश ये श्यम नागर हे
ଇଏ ଆଉ ରହିବ କେଉଁଠି ଅଟକିକିରି, ଇଏ ପଥର ତ ତରି ତରଳି ଯିବ, ଇଏ ଛାର ମଣିଷ ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି, ନିଜକୁ ରୋକିବ କେମିତି, ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ କେମିତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଇଏ ଖରାକୁ କାତିରେ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି କି କାତିରେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମନାଗର ହେ କଳା କନେଇ, ହେ କଳା ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତରଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବହି ଯାଉଛି। ମୋର ଆଉ ନିଜର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିଛି, ମୋର ଆଉ ନିଜର ପରିଚୟ ନାହିଁ କିଛି, ମୋର ଆଉ ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ନା ଭାବୁଛି ମୋ ଅତୀତକୁ, ନା ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ, କେବଳ ତୁମର ସେ ଚକା ଆଖିରେ ହିଁ ମୁଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ଲୀନ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଏକୀଭୂତ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ସମର୍ପଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପୂର୍ବ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବେ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ, ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରବାଚକ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ବେଦବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ବଜରାମ ଶତପଥୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।